हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं मिस्ट्रीज इन हिंदी और उर्दू ऑडियो बुक्स चैनल पर एंडलेस नाइट बुक का 8th चैप्टर। इस बुक की राइटर हैं अगाथा क्रिस्टी। अब तक की स्टोरी में आपने सुना कि एंड्रयू लिपिनकॉट की रॉजर्स और एली से उनके स्वीट में मुलाकात होती है। लिपिनकॉट एली को दूसरे रूम में भेजकर रॉजर्स से शॉर्ट इंटरव्यू लेता है। तो बातों में लिपिनकॉट रॉजर्स को बताता है कि ग्रेटा आकर रह सकती है क्योंकि ग्रेटा के पास अब कोई जॉब नहीं है। रॉजर्स इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। वो चाहता है कि उसके नए घर में वो और एली दोनों ही रहें। लिपिनकॉट के जाने से पहले एली को एक टेलीग्राम मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ग्रेटा रॉजर्स और एली से मिलना चाहती है। अब आगे दूसरे दिन रॉजर्स शॉपिंग पर गया और जानबूझकर लेट आया। उसे एली और ग्रेटा लॉन्ज में बैठे हुए बातें करते दिखाई दिए। लिपिनकॉट ने कहा था कि ग्रेटा बहुत अट्रैक्टिव है। रॉजर्स ने देखा कि वो सही था। ग्रेटा की हाइट लंबी थी, गोल्डन हेयर्स थे और ब्लू आइज थे। एली ने ग्रेटा से पूछा कि उसके फैमिली मेम्बर्स ने ग्रेटा के साथ कैसा बर्ताव किया। ग्रेटा ने जवाब दिया कि वो लोग बहुत गुस्सा हुए और उसे बिना रिकमेंडेशन दिए जॉब से निकाल दिया। लेकिन फिर भी ग्रेटा खुश थी क्योंकि अब उसे लंदन में एक सेक्रेटरी की जॉब मिल गई थी और एली ने उसे बहुत सारे पैसों का चेक दिया था। एली ने ग्रेटा से आगे पूछा कि उसने उन लोगों का नया घर बनते हुए देखा या नहीं। ग्रेटा ने बताया कि वो कार्स लेकर वहाँ गई थी। जब एली ने उससे एक्साइटेड होकर पूछा कि उसे कैसा लगा वो घर, ग्रेटा ने पहले तो सताने के लिए बुरे बुरे मुंह बनाए, फिर ज़ोर से हंसते हुए बोली कि वो घर बहुत वंडरफुल है और सैंटोनिक्स बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है। रॉजर्स जो एक चेयर पर लेकर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो बोला कि वो घर इतनी तेज़ी से बन रहा है कि उसे हैरत हो रही है। ग्रेटा ने लापरवाही से कहा, सब कुछ पैसे का खेल है, वहाँ पर लेबर्स डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। फिर उसने एली से कहा, तुम कितनी लक्की हो, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पैसा है। दो दिन बाद रॉजर्स एली के घर वालों से मिला। एली की स्टेप मदर कॉरा और अंकल फ्रैंक उसे अच्छी तरह मिले और ज़्यादा लड़ाई की बात नहीं की, शायद इसलिए कि उन्हें पता चल गया था कि अमेरिका में जो प्रॉपर्टीज़ पर वो रह रहे हैं और जिसका किराया उन्हें मिल रहा है वो सब एली के ही कंट्रोल में है। एली कभी भी उसे बेच सकती है, इसीलिए उन लोगों के पास गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं थी। एली का दूर का कज़िन जिसे वो अंकल रूबन के नाम से पुकारती थी, वो तो मिलने के लिए भी नहीं आया, सिर्फ लेटर में कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था उसने। एली की स्टेप मदर रॉजर्स को इस तरह देख रही थी जैसे वो बहुत मुश्किल से उसका वहाँ होना बर्दाश्त कर रही हो। उसके मुंह पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट थी। इंग्लैंड में एली के दो लॉयर्स थे, एक मिस्टर क्रॉफर्ड और एक स्टैनफोर्ड लेयॉर्ड। घर वालों से मीटिंग के बाद रॉजर्स को स्टैनफोर्ड लेयॉर्ड से भी मिलना पड़ा। वो बहुत हैंडसम था लेकिन ज़्यादा यंग नहीं था। वो एक बैंकर था और बैंकर की ही तरह लग रहा था। वो रॉजर्स से बहुत पोलाइट तरीके से मिला, लेकिन रॉजर्स को साफ लग रहा था कि वो उसे धूल के बराबर समझ रहा है, हालांकि उसने अपने फीलिंग्स को छुपाने की बहुत कोशिश की थी। बाद में रॉजर्स ने एली से कहा, चलो अब सबसे मुलाकात हो गई है, अब ये किस्सा यहीं ख़त्म होता है। मुझे लगता है वो लोग एक दो हफ्ता रहकर अमेरिका वापस चले जाएंगे, एली ने कहा। लेकिन वो दोनों गलत थे। एली के रिश्तेदार वहाँ से जाने के इरादे से नहीं आए थे, लेकिन ये बात एली और रॉजर्स को उस वक्त नहीं मालूम थी। एक हफ्ते बाद उन्हें सैंटोनिक्स का टेलीग्राम मिला जिसमें था वो लोग अपने घर आ सकते हैं। उनका घर बन चुका था।
वो दोनों ड्राइव करके जिप्सीज एकर्स पहुँचे। जिस वक्त वो दोनों पहुँचे शाम हो रही थी। सेंटोनिक्स कार की आवाज़ सुनकर बाहर निकल कर आया था उन दोनों से मिलने। रॉजर्स ने कार से उतरकर घर को देखा। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। इतना खूबसूरत घर उसने पहले कभी नहीं देखा था और ये घर उसका था। आखिर को उसने 2 साल जो घर के ख्वाब देखे थे, अब उसे वो घर मिल चुका था। कैसा लगा? सेंटोनिक्स ने पूछा। एकदम ज़बरदस्त, रॉजर्स बोला। हालांकि ऐसा बोलते हुए वो थोड़ा बेवकूफ़ लग रहा था, लेकिन उसे सही तरीके से तारीफ़ करना भी नहीं आता था। लेकिन सेंटोनिक्स समझ गया वो क्या कहना चाहता था। सेंटोनिक्स बोला, मेरे अब तक के बनाए हुए घरों में ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा बनाया है मैंने, और इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है। लेकिन इस घर को देखकर लगता है कि पैसा वसूल हो गया तुम लोगों को, उसने रॉजर्स और एली की तरफ देखकर कहा। फिर वो रॉजर्स से बोला, रॉजर्स एली को उठाकर अंदर लेकर चलो, ये ट्रेडिशन है। जब कोई अपनी नई ब्राइड के साथ किसी प्रॉपर्टी पर हासिल करके आता है तो वो ऐसा ही करता है। रॉजर्स ने सेंटोनिक्स के सजेशन पर एली को उठाकर अंदर की तरफ बढ़ा। एली का वेट कम ही था, पर अचानक दहलीज पर रॉजर्स का पैर लड़खड़ा गया। सेंटोनिक्स ने चौंक कर घूरा। सुपरस्टिशियस लोगों के लिए ये एक बुरी शुरुआत थी। अंदर हॉल में पहुंचकर रॉजर्स ने एली को नीचे उतार दिया। सेंटोनिक्स ने रॉजर को गौर से देखते हुए कहा, माइक एली का बहुत अच्छा ख्याल रखो, देखो कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे कोई नुकसान क्यों पहुंचेगा? एली ने पूछा। क्योंकि दुनिया बहुत ख़राब है और इसमें बहुत बुरे लोग रहते हैं, सेंटोनिक्स बोला। और तुम्हारे आसपास भी बुरे लोग हैं, मैंने देखा है उन लोगों को, यहाँ पर भी पहुंच गए थे और उनके फेसेस पर सिर्फ जेलसी ही थी, सेंटोनिक्स ने कहा। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो सब अमेरिका वापस चले जाएंगे, एली ने कहा। शायद, सेंटोनिक्स बोला, लेकिन अमेरिका यहाँ से प्लेन के थ्रू कुछ घंटों की दूरी पर ही है। सेंटोनिक्स एली के शोल्डर्स पर हाथ रखकर उसे समझा रहा था। सेंटोनिक्स के हाथ बहुत पतले और वाइट हो गए थे बीमारी की वजह से। मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था बच्ची, लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सेंटोनिक्स बोला, इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। जिप्सीज़ की वार्निंग का डर ख़त्म करो सेंटोनिक्स, और जिप्सीज़ की तरह बातें करना भी बंद करो, रॉजर्स बोला, और हमें पूरा घर चलकर बताओ। फिर वो लोग सारा घर देखने लगे। बहुत सारे रूम्स अभी भी खाली थे, उसमें फर्नीचर नहीं था। लेकिन रॉजर्स और एली ने जो यूरोप में शॉपिंग की थी उसकी वजह से पर्दे और पेंटिंग्स सब रूम्स में लगे हुए थे। बाहर लॉन में पहुंचकर एली ने कहा, हमने घर का कोई नाम नहीं सोचा, हम उसे टॉवर्स नहीं पुकार सकते, मुझे वो सिली नेम लगता है। दूसरा नाम क्या बताया था तुमने माइक? जिप्सीज एकर्स है ना, उसने पूछा। मुझे जिप्सीज एकर्स नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, रॉजर्स बोला। फिर वो लोग वहीं चेयर्स डालकर बैठ गए और चाय पीते हुए घर का नाम सोचने लगे। वो एक किस्म का गेम बन गया था। दूर पहाड़ों के पीछे सूरज डूबने लगा। अब अंधेरा और ठंड बढ़ने लगी तो वो लोग अंदर आ गए। दूसरे दिन वहाँ पर सर्वेंट्स का स्टाफ पहुँचने वाला था, लेकिन उस वक्त घर में सिर्फ सेंटोनिक्स, रॉजर्स और एली थे और घर बहुत खाली लग रहा था। रात के 9 बजे होंगे जब वो लोग एक टेबल के अतराफ बैठकर डिनर करने लगे। एली और रॉजर्स अपने साथ खाना लाए थे, जिसमें फ्राइड बीफ, फ्रेंच ब्रेड और रेड प्रॉन्स थे। वो लोग खाना खाते हुए हंसते हुए बातें कर रहे थे। अचानक एक खिड़की पर ज़ोर से एक पत्थर आकर लगा और खिड़की को तोड़ता हुआ आकर टेबल पर गिरा। एली चीख मारकर खड़ी हो गई, लेकिन उससे पहले एक वाइन ग्लास टूटा और उसका एक टुकड़ा एली के फेस पर लगा।
रॉजर्स बाहर की तरफ देखने के लिए भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब रॉजर्स वापस आया तो एली अपना फेस टिश्यू पेपर से दबा करती, उससे खून निकल रहा था। वो डरी हुई आवाज़ में बोली, क्या चाहते हैं ये लोग हमसे? क्या तुमने किसी को देखा था बाहर? उसने रॉजर्स से पूछा। बाहर कोई नहीं था, रॉजर्स बोला। मेरे ख्याल से कुछ गांव के बच्चे थे होंगे जिन्होंने बदमाशी से पत्थर मारकर भाग गए। मेरे ख्याल से वो लोग हमें सताना चाहते हैं और कुछ नहीं। एली ने सेंटोनिक्स की तरफ देखकर पूछा, क्या वो लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग अमीर हैं और वो लोग गरीब हैं? नहीं, सेंटोनिक्स बोला। एली गुस्से से बोली, अगर वो हमें डराकर यहाँ से भगाना चाहते हैं तो वो लोग गलत हैं। मैं और माइक यहाँ से कभी नहीं जाएंगे और हम इस घर का नाम भी यही रखेंगे, जिप्सीज एकर्स, और देखेंगे कि क्या होता है। कौन होगा जो एली और रॉजर्स को कुछ नहीं देखना चाहता है? जानने के लिए सुनते रहिए एंडलेस नाइट का नेक्स्ट चैप्टर सिर्फ मिस्ट्रीज इन हिंदी और उर्दू ऑडियो बुक्स चैनल पर। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।